मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 13 में पानी की टंकी पर ओवरफ्लो होने के कारण घरों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण यहां पर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही मच्छर भी पनप रहे हैं। इस परेशानी की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर गंदगी का आलम रहता है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और दूषित पानी इधर उधर फैलता रहता है, जिससे राहगीरों को निकलने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं जल भराव से गंदगी, मच्छर आदि पनप रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओवरफ्लो का पानी उनके घरों में जा रहा है और घरों को गंदा कर रहा है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से डेंगू बीमारी फैल रही है, उसके अनुसार कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है, लेकिन हालत बिल्कुल अलग है। आइए क्षेत्रीय निवासी चंचल सोनी क्या कहती हैं, इनकी सुनिए। घटना ये है कि हमारे घरों में सीवर लाइन का पानी वापस आ रहा है और घरों में गंदा पानी भर रहा है और डेली का काम है। आपने किसी से शिकायत की? शिकायत करी थी, नगर निगम में शिकायत करी थी। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर डेली डेली पानी आ जाता है गंदा, घरों में गंदा पानी भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ डेंगू फैल रहा है। अभी बच्चे बीमार होके चुके हैं और गंदा पानी से डेंगू ही फैलेगा और सब लोग बीमार हो रहे हैं। दिन में 2-3 बार की घटना हो चुकी है ये और सब लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। हमारे घरों में रोज डेली पानी भर जाता है, सीवर में से रोज डेली पानी आ जाता है आंगन तक में, और बच्चे बीमार होके चुके हैं, डेंगू होके चुका है रोज डेली। ये समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। आपने किसी से शिकायत की थी? हाँ, करी थी नगर निगम में।